सो गाइज, रोनाल्डो के सेकंड पार्ट का इंटरव्यू आ चुका है। एंड ये गाइज, इस पूरे मतलब जो सागा हुआ है, आई थिंक इससे पता चलता है कि जब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बातें सुनी जाती है तब उसका क्या क्या मीनिंग निकल सकता है। सेकंड पार्ट से जो हमें मतलब काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ से काफ़ी सारा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल बातें होगी, लेकिन जिस तरह से फर्स्ट आपने सरप्राइज किया उसी तरह सिमिलरली मेरे को तो सेकंड पार्ट ने भी सरप्राइज ही कर दिया। मतलब कुछ ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल, कुछ ऐसी बातें नहीं बोली है कि आप उसका मतलब हवा बना दें। ओबियसली एरिक टेनाक के बारे में वो बोला है, वो उसका मतलब उसने पूरा सिचुएशन बताया कि क्यों उसका रिलेशन उसके साथ ऐसा है। तब आप जो वो बोला है ना कि आई डोंट रिस्पेक्ट वाली, तो वो समझ में आता है। अभी अभी पूरा कॉन्टेक्स्ट ऐड हो चुका है तो समझ में आता है कि क्यों उसने ऐसा बोला है, क्या पूरा सिचुएशन था। तो इन सब के बारे में बात करते हैं गाइस। थोड़े से मैं अपने विचार बताता हूँ, आप भी अपने विचार मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपको ये पूरा इंटरव्यू देख के क्या लगा। तो अगर पर्टिकुलरली सेकंड पार्ट की बात करें तो जो मेन मतलब एरिक टेनाक के बारे में बोला है कि क्यों उसका रिलेशन उसके साथ उस तरह से नहीं रहा है, क्यों प्री सीजन के बाद जिस तरह से उसने मतलब बेसिकली रोनाल्डो ने ये बोला है कि जो एरिक टेनाक मीडिया में बोलता था और जो हमारा रिलेशन था वो काफ़ी डिफरेंट था, और वो एक एक मतलब एक्सक्यूज़ के तौर पर मेरे को बताता था, क्योंकि उसने मतलब बोला कि सिटी के सामने उसने ऐसा बोला था एरिक टेनाग ने कि मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट रोनाल्डो को 3 मिनट के लिए नहीं खिलाना चाहता था, और जब स्पर्स के सामने 3 मिनट खिलाना चाहता था। तो ये देखिए कम्प्लीटली ऑपोजिट था एरिक टेनाग की ओर से। तो आई थिंक वहाँ पे उस टाइम पे रोनाल्डो ने बोला कि नो डाउट जो स्टेडियम से चले जाना वो मेरी गलती थी, डेफिनेटली मैं अब उस डिसीजन को थोड़ा सा मैं रिग्रेट करता हूँ। लेकिन जो 3 दिन का उसको सस्पेंड किया गया था उसने बोला कि वो थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंट था, और मेरे लिए इसलिए भी डिसअपॉइंट था कि मुझे इस तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा था जो मतलब एज ए प्लेयर एक करना चाहिए क्लब की ओर से या फिर एरिक टेनाक की ओर से। और उसने ये भी बोला है कि क्लब उसको प्रोवोक करना चाहते थे, एरिक टेनाक प्रोवोक करना चाहते थे ताकि वो क्लब छोड़ के चला जाए। तो ऐसा भी उसने बोला है कि दे ट्राई टू मतलब वे आउट फॉर मी, तो वो देख रहे थे कि किस तरह से मैं क्लब छोड़ के जाऊँ। तो ये सारी बातें बोली है उसने एरिक टेनाक के बारे में, और सब कैसे रिलेशनशिप उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया पहले तो मतलब स्टार्टिंग में। तो एरिक टेनाक ने ऐसा बोला कि तुमने प्री सीजन नहीं किया है तो इसलिए तुम्हें अभी कम मौका मिलेगा, लेकिन वो सभी प्लेयर को इस तरह से ट्रीट नहीं करता। ये रोनाल्डो ने बोला है कि ट्रीटिंग प्लेयर्स विथ डिफरेंट यू कैन से प्रायोरिटी। और मेरे साथ भी उसने वही हुआ कि मेरे को जो मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कि चलो मैं प्री सीजन नहीं किया है तो इसीलिए नहीं खेला, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को समझ में आ गया। तो ये सारा सीन, और आई थिंक मीटिंग से ही वो रिलेशनशिप उस तरह से मेरे को तो मतलब डेवलप होता हुआ दिखाई नहीं। तो वहाँ पे वो मतलब आप देखिए कि मैनेजर एंड प्लेयर का कोई वो था ही नहीं रिलेशन कि आप उसको एक एक लॉन्जिविटी या फिर एक 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 पूरे सीजन के लिए खींच पाएँ। तो आई थिंक ये सही डिसीजन था मेरे हिसाब से। उसके बाद अगर देखिए तो प्री सीजन के बारे में बोला है कि जब प्री सीजन में मेरी एक 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 चाइल्ड का डेथ हो गया और एक चाइल्ड मेरा हॉस्पिटल में था, तभी जो मैनचेस्टर के जो टॉप बोर्ड्स है मतलब जो प्रेसिडेंट है, CEO है, स्पोर्टिंग डायरेक्टर, उन लोगों ने बिलीव नहीं किया कि भाई क्यों तुम ट्रेनिंग में नहीं आ रहे हो। तो वहाँ से मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था, क्योंकि मेरे जो नियर एंड डियर वन से उन सबको पता था किस सिचुएशन में हूँ मैं और क्या हालत है। और उसने ये भी बोला कि फैमिली इज़ ऑलवेज विल बी माय फर्स्ट प्रायोरिटी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक ये यहाँ पे मतलब मेरे को लगता है कि क्लब की ओर से अगर इस स्ट्रेचर का प्लेयर कोई रीज़न दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो बेफालतू में ही रीज़न दे रहा है उसको क्लब छोड़ के जाना है इसलिए वो रीज़न दे रहा है। उसने इसके बारे में भी बोला है कि क्या जो मतलब पूरा ये न्यूज़ आ रही थी कि तुम चेल्सी जा रहे हो, तुम इस क्लब में जा रहे हो, तुम्हारे पास क्लब की ऑफर्स नहीं है, तो उसने बोला कि मेरे पास कुछ ज़्यादा ऑफर्स नहीं थी लेकिन आई हैव ए फ्यू ऑफर्स फ्रॉम अदर क्लब्स, लेकिन मेरा जो मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में खुश था तो मेरे का जाने का कोई मन नहीं था। उसने ये भी कंफर्म किया है कि सऊदी अरेबिया से 350 मिलियन का ऑफर आया था, लेकिन आई एम नॉट लुकिंग फॉर मनी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू प्ले 1 or 2 years ऑफ मोर कॉम्पिटिटिव एट हाईएस्ट लेवल, ये बेसिकली उसने बोला है। तो जो उसने बोला कि चेल्सी की न्यूज़ आ रही है, तो उसने ऐसा रीज़न दिया है कि वहाँ पे जो उसका एजेंट है
जॉर्जे मेंडिस, तो हमें पता है कि उसकी एजेंसी के पास काफ़ी प्लेयर्स हैं, मोर देन 100 प्लेयर्स हैं। तो वो तो मतलब उसका तो काम ही है कि जब ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होगी तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को लेके डिफरेंट डिफरेंट क्लब को अप्रोच करेंगे। तो जहाँ भी वो जाता था तो वहाँ पर न्यूज़ आ जाती थी कि रोनाल्डो के लिए जा रहा है, और रोनाल्डो को रिजेक्ट किया। तो उसने उसको कम्प्लीटली फॉल्स बताया, उसने ऐसा बोला कि किसी भी क्लब ने मेरे को वहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया है। उसने ऐसा बोला कि मेरे पास फ्यू ऑफर्स थे, ज़्यादा नहीं थे, फ्यू थे, लेकिन आई डिडंट एक्सेप्ट दैट ऑफर बिकॉज आई वॉन्ट टू बी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज आई एम हैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो उसने ये पूरा जो उसका इस लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में जो न्यूज़ निकल के आई थी और मीडिया ने जिस तरह से उसको बड़ा चढ़ा के या फिर बताया है, उसका उसने कम्प्लीटली वहाँ पे फॉल्स बताया है। उसके अलावा उसने गाइज जो बोला है ग्लेजर्स के बारे में, ग्लेजर्स के बारे में उसने क्लियर सा थोड़ा सा ही बोला है, लेकिन क्लियर कट बोला है। उसने बोला है कि आई नेवर टॉक टू ग्लेजर्स एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लब, एंड उसको क्लब से कुछ लेना देना नहीं है, और जो सारा हैंडलिंग करते हैं वो प्रेसिडेंट एंड जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर एंड वो सब ही करते हैं। तो उसने ऐसा बोला है कि उसमें ग्लेजर्स का कोई वो रोल नहीं है। और उसने ये भी बोला है कि जो फैंस का जो रिएक्शन है ग्लेजर्स के रिलेटेड कि ग्लेजर्स आउट, ग्लेजर्स आउट, जो पूरा कैंपेन चलता है, तो उसने उसको मतलब सही बोला, उसने ऐसा बोला कि फैंस आर ऑलवेज राइट। तो आई थिंक यहाँ पे उसने क्लियर कट ग्लेजर को ये बता दिया है कि दे आर नॉट गुड चॉइस फॉर दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसने बोला है कि क्लब रहेगा, और वो सब बातें बोली है कि मतलब ग्लेजर्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो साला सीन है। तो आई थिंक क्लियर कट ग्लेजर के बारे में उसका ओपिनियन आया है, और आई थिंक आना भी चाहिए था ये, क्योंकि ज़रूरी था, ग्लेजर्स आउट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। फिर उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइनिंग के डिसीजन के बारे में उसको पूछा गया कि क्या अगर तुम फिर से वापिस टाइम में जाके अगर इस डिसीजन को लेना हो तो क्या, तो उसने बोला कि मेरा जो ये डिसीजन, मैं मतलब ज़्यादातर डिसीजन सोच समझ के लेता हूँ, लेकिन जो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो डिसीजन है ज्वाइन करने का, वो मेरा इमोशनल डिसीजन था, वो उसने एक्सेप्ट किया है। लेकिन उसने ये भी बोला है कि मैं हैप्पी हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस डिसीजन को लेकर मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। तो उसने बोला है कि मेरी जो सेकंड जो स्टिंट था वो भी मेरा एक अच्छा स्टिंट था, तो उसके बारे में वो बोला है। फिर ये मेसी के बारे में उसने बोला है कि ही इज़ डेफिनेटली अ वेरी गुड प्लेयर, एंड मेसी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली है, पर्टिकुलरली कि इस लेवल पे 16 सालों तक हम दोनों की राइवलरी चली है, और मेरा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है उसके लिए, और हम दोनों फ्रेंड नहीं है ओब्वियसली, लेकिन मैं हमेशा से उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, उसकी वाइफ का, मेरी वाइफ भी अर्जेंटीना से है। एंड तो मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा उसके रिलेटेड कोई हेट या फिर ऐसा कुछ है। तो और उसने इसे भी बोला है कि डेफिनेटली आई वोंट, मैं अगर जैसे मैराडोना एंड पेले ने डिनर करते किया था आफ्टर द रिटायरमेंट, तो मैं भी करना चाहूँगा, मैं भी डिफरेंट लोगों से मिलना चाहूँगा, इंटरनेशनल लोगों से मिलना चाहूँगा। उसने ये भी बोला है कि मैंने जो जिसके अगेंस्ट खेला है उसमें मेस्सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड जिडान का भी नाम लिया है। तो आई थिंक मेस्सी के बारे में काफ़ी अच्छी बातें बोली है, और ये भी बोला है कि जो पीएसजी का जो मतलब पीएसजी करना चाहते हैं मेसी एंड रोनाल्डो, तो उसने बोला कि यू नेवर नो इन फुटबॉल, तो ये बार ये बात बोली। उसके बाद उसने वर्ल्ड कप के बारे में बोला है कि वर्ल्ड कप में मेरा पूरा फोकस अभी वर्ल्ड कप पे ही है, मैंने मेरा मतलब नेक्स्ट क्लब कौन सा होगा उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। और उसने ये भी बोला है कि यूनाइटेड के फैंस होंगे वो समझ पाएंगे कि अभी मतलब उसके पर्टिकुलरली पूछा गया था कि क्या तुम वापस अभी यूनाइटेड में आओगे, तो उसके बारे में बोला है कि अभी कुछ कहना मुश्किल है। मतलब उसने क्लियर कट ये नहीं बोला है कि मैं अभी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन जो इंडिकेशन था और जो इस इंटरव्यू का पूरा आप बोल सकते हैं कि एक एक मेन गोल था वो वही था कि गुड बाय। तो आई थिंक इससे हमें समझ जाना चाहिए कि ही इज़ मूविंग इन जनवरी। एंड उसने नेक्स्ट क्लब के बारे में नहीं बोला है, उसने मतलब अब ये ज़रूर बोला है कि आई स्टिल वॉन्ट टू प्ले टू मोर ईयर, और 40 तक मैं खेलना चाहता हूँ, तो ये उसने ज़रूर कंफर्म किया है। मतलब उसके अलावा देखिए उसने सर एलेक्स के बारे में बोला है कि ही इज़ द मैन हु अंडरस्टैंड मी मोस्ट, तो ये उसके बारे में बोला है। फिर मेसी का मतलब तारीफ किया है, वो सारा सीन है। और उसके अलावा अगर आप गाइस देखें तो जो नेक्स्ट क्या है उसका, और कौन कौन सी टीमें उसको वर्ल्ड कप में फेवरेट लग रही है, तो उसमें उसने स्पेन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंग्लैंड, इन सब के टीमों के नाम लिए। उसने बोला है पोर्टुगल भी काफ़ी मतलब उसने ऐसा बोला कि हम कभी भी फेवरेट नहीं होते हैं, लेकिन वी हैव अ गुड टीम, तो ये पोर्टुगल के बारे में बोला। उसका अभी करंटली जो फोकस है वो सिर्फ वर्ल्ड कप ही है, उसका नेक्स्ट मूव कहाँ पे होगा वो अभी उसने उसमें ऐसी कोई हिंट नहीं दी है कि कहाँ पे होगा। आई थिंक होगा ज़रूर, ये तो पक्की बात है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट उसने बेसिकली जो जितना मतलब
पियर्स मॉर्गन ने हाइप बनाया था इस इंटरव्यू का, आई थिंक उस अगर एक ही पार्ट में अगर उसी टाइम पर अगर ये इंटरव्यू रिलीज हो गया होता तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा वो कुछ कंट्रोवर्सी होती, क्योंकि ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात लगी ही नहीं। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट जब देखते हैं तब आपको नहीं लगता कि कुछ भी कॉन्ट्रोवर्शियल है यहाँ पे, और जो उसके जो एंगल से और उसके साथ जो सिचुएशन हुई है उसको ही उसने एक्सप्लेन किया है। तो और उसके बाद उसने आफ्टर दी रिटायरमेंट वो क्या करना चाहता है और उन सब के बारे में भी लास्ट में बोला है कि आई वॉन्ट टू मोटिवेट पीपल, मैं इंग्लिश अच्छी और करना चाहता हूँ मेरी, ताकि मैं और मैं जो यंग फुटबॉलर है उसको सिखा पाऊँ कि हाउ टू विन, हाउ टू क्रिएट दैट मेंटालिटी। मैं अपने फुटबॉलिंग करियर के डिफरेंट डिफरेंट फेज में अलग अलग सिचुएशन से गुजरा हूँ तो मैं लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, और वो सब उसने प्लान बनाए। तो एक नाइस एंड ओवरऑल मेरे को तो अच्छा इंटरव्यू लगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आई थिंक अब मैं समझ पाया हूँ कि पीएस मॉर्गन को उसने क्यों चुना है, क्योंकि द मेन इंटेंशन ऑफ दिस इंटरव्यू इज टू रीच द मैक्सिमम पीपल। अगर आप पीएस मॉर्गन को चूज़ करोगे तो ही नोज हाउ टू टेक गेन द अटेंशन ऑफ पीपल, और कैसे लोगों से ज़्यादा लोगों तक तो ये इंटरव्यू पहुँचे। तो आई थिंक दैट्स वाई चूज़ पीएस मॉर्गन, और वो उसमें मास्टर ही, आप जितना भी आप उसको बोलिए कि वो कैसा रिपोर्ट जर्नलिस्ट है और वो सब, लेकिन उस बंदे में वो मास्टर ही है कि वो कैसे लोगों का अटेंशन गेन करे। तो आई थिंक दैट्स वाई गिवन द इंटरव्यू विथ पीएस मॉर्गन, एंड उसका जो आई थिंक इंटेंशन भी था उसने ये भी बोला है कि काफ़ी सारे लोगों को मैंने जब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और मेरा जो मैंने भी जो बात रखी है उससे काफ़ी सारे लोग नाखुश भी होंगे, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़, तो ये बोला है। तो आई थिंक सही भी है कि आपका साथ जो सिचुएशन हुई है आप उसको रख दीजिए उसमें, देखिए राइट या रॉन्ग आप ना आप उसको ना देखिए, जो सिचुएशन है उसको उसी तरह से रहने दें तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो मतलब क्या ही बात है। रोनाल्डो के एंगल से उसने किया वो सही होगा, एरिक टेन हाग को लगा वो सही होगा। यहाँ पे आप देखिए जिसका जैसा जिस सिचुएशन पे पूरा माइंड वर्क करता है उसी तरह उसका रिएक्शन भी होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक ओवरऑल सही इंटरव्यू है, मेरे को तो मतलब कुछ ऐसा कोई नहीं लगा कि इसमें रोनाल्डो ने मतलब अपनी लेगेसी वे कैसे टार्निश की, अभी मेरे को नहीं लगता कि उसने कुछ मतलब गलत किया है टू बी ऑनेस्ट। तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू गाइज, लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंटरव्यू, आपको कौन सा पार्ट सही लगा कौन सा पार्ट गलत लगा, एंड हाउ डू यू रेट रोनाल्डोस इंटरव्यू, एंड क्या इसके इम्पैक्ट हो गए और उन सब के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ गाइज तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।